यूपी के अररिया जनपद में पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पर पहुंचे पीड़ित ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। पीड़ित के अनुसार मंडी से माल उतारकर रुपए लेकर लौट रहे ट्रैक्टर चालक को ट्रैक्टर समेत बंधक बनाकर अपहरण कर लिया गया था। पीड़ित व्यापारी ने बताया कि पुलिस घटना को झूठ बता रही, जबकि पीड़ित के पास आरोपियों की फोन रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, जिसमें आरोपी खुद को घटना स्वीकार कर रहे हैं। पूरा मामला ये है कि बाजरा मैं ले गया था कंचो औरैया मंडी, वहाँ से मैं बेच के आ रहा था। जो व्यापारी हमारे हैं मालिक, उसने 1,30,000 रुपये दिया था हमको कि वहाँ दे देना जाके आड़त पे, गाड़ी लोड कर लेना। तो जैसे वहाँ से 20 मीटर निकले गेट से हम बाहर मंडी से, तो एक सोनू मुनीम है, वो हमारी आड़त मुनीमगिरी करता है, 6 आदमी थे पुराना। तो 2-6 आदमी थे, ट्रैक्टर हमारा छीन लिया था वहाँ। बोले कि ट्रैक्टर ले चलिए, हमें हम नहीं ले जाएंगे, तो हमको जबरदस्ती कार में डाल लिया। पैसे भी उसमें थे, हमारा जेक बिल पाना उसमें था, सब कुछ था टूल में, तो हमको कार में डाल लिया। ट्रैक्टर हमको कंचौसी मिला जाके एक यादव जी के दरवाजे, जब वहाँ पहुँचे तो हमको कमरे में बंद कर दिया। जब कमरे में बंद कर दिया, जो कुछ की बात भाई हो, फिर वहाँ से हमको निकाला, फिर चौकी आया, चौकी में हमको अंदर कर दिया। फिर वहाँ से अंदर रखा मोबाइल हमारा ले लिया, रास्ते में स्विच ऑफ कर दिया था, कहीं बात ना हो पाई। इसके बाद में फिर वहाँ 2-3 घंटा रखा, फिर हमको भेज दिया इधर क्या नाम औरैया थाने में, वहाँ भी बंद रखा, दिबियापुर थाने में, वहाँ 24 घंटा हम बंद रहे हैं। अपनी कामतगिरी ट्रेडिंग कंपनी के नाम से आड़त, गले की आड़त है। मैंने एक ट्राले बाजरा औरैया मंडी को भेजा था मोहताज जी की आड़त के यहाँ, तो वहाँ जब गाड़ी खाली हो गई तो अपने ड्राइवर को 1,30,000 रुपये टूल में डाल करके उसरी के लिए भेज दिया कि उसरी जाओ आड़त पे और वहाँ पेमेंट करो, गाड़ी दोबारा लगनी है। गाड़ी निकलते ही ड्राइवर का फ़ोन बंद हो गया, नंबर नहीं लगने लगा। मैंने किसी तरीके से कोई जानकारी नहीं मिल रही थी तो 112 नंबर डायल किया, तो पुलिस ने फिर चौकी में किसी यादव जी के यहाँ ट्रैक्टर बरामद किया। अच्छा, ड्राइवर का नंबर भी नहीं लगने लगा, तो आशंका तहत फिर मैंने 112 नंबर डायल किया और फिर इसके बाद कोतवाली औरैया जा करके एप्लीकेशन दिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMDNews।